जागरूक जनता पार्टी की गिरिडीह विधानसभा प्रत्याशी अनीशा सिन्हा ने रविवार को बुढ़ियाखाट समेत अन्य स्थानों पर जनसंपर्क किया। इस दौरान न्यू पुलिस लाइन करहरबारी और डांडीडी में बैठक भी की गई, जिसमें राधास्वामी संगठन के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही डांडीडी में नौ निश्चल कोचिंग संस्थान का उद्घाटन भी प्रत्याशी अनीशा सिन्हा के द्वारा किया गया। बताया गया कि जागरूक जनता पार्टी राधास्वामी संगठन का राजनीतिक मंच है। प्रत्याशी अनीशा सिन्हा ने यह भी कहा कि आज राधास्वामी संगठन के माध्यम से लगातार 15 वर्षों से समाज सेवा करती आ रही हूं। हमारे संगठन के माध्यम से अपने गिरिडीह क्षेत्र में राधास्वामी संगठन कन्यादान योजना के तहत हजारों बच्चियों के विवाह में सहयोग किया गया है। कई बच्चों की शिक्षा में संगठन सहयोग कर रही है, साथ ही आवास भी बनाकर संगठन के द्वारा दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में संगठन के द्वारा गांडे विधानसभा क्षेत्र और गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में निःशुल्क कोचिंग संस्थान का संचालन किया जा रहा है, जिससे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, ताकि एक शिक्षित समाज का निर्माण किया जा सके। साथ ही संगठन के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को भी रोजगार दिया जा रहा है, क्योंकि अगर महिलाओं को रोजगार मिल जाए तो घर की कुछ परेशानी कम की जा सकती है। इस मौके पर संगठन के नगर जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने कहा कि संगठन हर एक क्षेत्र में कार्य कर रही है। संगठन अपने क्षेत्र के बच्चों, युवाओं, पुरुषों और महिलाओं सभी के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। ग्रामीण जिलाध्यक्ष नंदलाल पांडे ने कहा कि हमारी प्रत्याशी अनीशा सिन्हा गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल करती है तो गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र का विकास किया जाएगा, जो कि आज तक नहीं हो पाया है। कार्यालय प्रभारी अमित कुमार ने मौजूद ग्रामीणों से संगठन से जुड़कर संगठन के विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को जागरूक किया। इस दौरान मौके पर संगठन के प्रतिनिधि वसीम जी, सद्दाम जी, बेबी देवी, मालती देवी, शिप्रा देवी, सुंदरी देवी, रुखसार खातुन, रोशन कुमार के साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। नमस्कार, मैं अनीशा सिन्हा गिरिडीह विधानसभा की प्रत्याशी हूँ, और आज हमारे द्वारा कई जगहों पर जैसे सिमरिया धोड़ा, नीचे पहाड़ी डी, चुंजका, ऐसी कई जगहों पर जो है निशुल्क कोचिंग सेंटर का उद्घाटन हमारे द्वारा किया गया। वहाँ बच्चे जो है निशुल्क शिक्षा ग्रहण करेंगे और वहाँ की जो शिक्षिका है उनको हमारे द्वारा मानदेय भी दिया जाएगा। मैं चाहती हूँ कि यहाँ की जो शिक्षिका है वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, ताकि बच्चे अपने क्षेत्र का नाम, अपने देश का नाम रोशन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।